नमस्कार, स्वागत है आपका IN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी से बिलासपुर विधानसभा की प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े का जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आज वह बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में बिलासपुर के मतदाताओं के बीच जनसंपर्क के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए नजर आई। उन्होंने बिलासपुर में बढ़ते गुंडागर्दी, दूषित पेयजल व्यवस्था एवं बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेशवासियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यवस्था दी जाएगी, साथ ही पेयजल एवं बिजली की समस्या को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर होने के नाते वह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देंगी और बिलासपुर के साथ पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे देश में सबसे सर्वोच्च करना उनकी प्राथमिकता होगी। मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, साफ पीने का पानी, और यहाँ नालियों की सफाई रखनी होती है, नालियों में पानी नहीं भरता, वो घर में भरता है। तो ये जो गंदगी है ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, साथ में गुंडागर्दी। यहाँ बिजली की इतनी समस्या है, हर दिन आधा आधा दिन तक बिजली कटौती हो जाती है। बिजली की सुविधाएं जो है, फ्री बिजली दी जाएगी अगर आम आदमी पार्टी को सेलेक्ट किया जाता है तो। सिम्स की बुरी हालत, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पे, इलाज तो छोड़िए, वहाँ जांचें तक नहीं हो रही है। तो सिम्स की बदहाल जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए, अगर बिलासपुर शहर की बात किया जाए तो शहर तो है पर यहाँ पे गांव जैसी हालत है, क्योंकि येलो लाइन पार्किंग तक नहीं है। तो जब हम कभी सामान लेने जा रहे हैं तो आधा ध्यान तो ऐसा होता है कि कहीं गाड़ी ना उठा ली जाए। येलो लाइन पार्किंग, चौड़ी सड़कें, ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और कानून व्यवस्था, कड़ी कानून व्यवस्था। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था की सख्ती लाएंगे, क्योंकि यहाँ जो गुंडा राज चल रहा है उसकी वजह से हर एक लेवल पे लोग परेशान हैं, चाहे वो महिलाओं हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, हर कोई परेशान है कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। ये गंदे पानी की वजह से स्वास्थ्य की जो खराबी हो रही है, जैसे डायरिया की वजह से जान जा रही है, वो गंदे नाली और सैनिटेशन की खराब व्यवस्था की वजह से है, वो ठीक की जाएगी। येलो लाइन पार्किंग जो एक शहर की, बढ़ते हुए शहर की ज़रूरत है, वो किया जाएगा। और यहाँ पे जो शिक्षा के मामले में है, शिक्षा के लिए कुछ स्कूल ज़रूर खोल दिए गए हैं आत्मानंद, पर वहाँ पर एडमिशन होना इतना मुश्किल है, 6 स्कूल है बस, तो 6 स्कूल में कैसे होती पूरे लोग पढ़ लेंगे। सारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, सारे स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट जैसे होने चाहिए। तो हमारा तो वही काम है कि सारी शिक्षा अच्छी हो, सारे स्कूल अच्छे हो, सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे सिम्स, और सेकंड खाली एक सिम्स के भरोसे हम लोग बैठे रहते हैं, पर हमें तो सब CSC PSC को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आधा इलाज CSC PSC में हो जाए, कि सिम्स में सीरियस पेशेंट आए तो वहाँ का भी क्राउड मैनेजमेंट होगा। ब्लड बैंक नहीं है हमारे बहुत सारे CSC PSC में, उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा कि ब्लड बैंक खुले, ताकि ब्लड की वजह से यहाँ ट्रांसफ़र ना हो, सिम्स में क्राउड ट्रांसफ़र ना हो। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं होते हैं, मशीनें लेके सड़ रही है पर उसको काम नहीं किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तालाबों की वापसी में ध्यान दिया जाएगा, सौंदर्यीकरण के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, बस पैसों को नालों में बहाया गया है। तालाब जो मारे गए हैं ना, उसको आम आदमी पार्टी जिंदा करेगी, तालाब सौंदर्यीकरण करेगी। धन्यवाद। भूमि से उज्ज्वला कराड़े बिलोंग करती हैं, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पे कड़ा मार करते हुए कहा है कि अगर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बिलासपुर की जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करके बिलासपुर शहरवासियों को स्वस्थ और सफाई नुमा बिलासपुर वो देंगी।